रेडिओ सिटी 95 एफएम वर माझं नाव आहे कटक प्रथम. बिलकुल 6:09 मिनिटांची वेळ झाली आहे सिटी क्लॉक मध्ये आणि त्याचबरोबर एक यंग रायटरला मी तुम्हाला आता भेटवणार आहे जिचं नाव आहे स्फूर्ती सहारे. आणि धोनीने कुठल्या प्रकारे विचार केला जेव्हा 2011 आपली वर्ल्ड कप मॅच चालू होती, तर याच गोष्टीवर एका मुलीने पुस्तक लिहिलेलं आहे. फिलहाल मेरे साथ है स्फूर्ती सहारे, यंग राइटर एंड मोटिवेटर. हॅलो स्फूर्ती. हाय प्रथम, हाउ आर यू डूइंग? एब्सोल्युटली टकाटक. ओके, आई एम ऑल्सो टकाटक. की आपकी जो बुक है, व्हाट इट टेल्स टू द वर्ल्ड? 2011 वर्ल्ड कप, आप सबको पता होगा वो 2011 का वर्ल्ड कप जब हमारे विकेट चले गए थे और महेंद्र सिंह धोनी जी आए और उन्होंने हमारा गेम बचाया और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया. आई वॉज वॉचिंग दैट वर्ल्ड कप, तब मुझे लगा इस बंदे में कोई ऐसी बात है, अगर वो बात मैं दुनिया के साथ शेयर करूं तो ये सबके लिए काफी बड़ा विनिंग फैक्टर बन सकता है. तो आई स्टार्टेड सीइंग, आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग हिम, व्हाट डज ही डू व्हेन ही इज इन प्रेशर, हाउ डज ही थिंक, हाउ डज ही रिएक्ट टू नेगेटिविटी. And after observing him for a good amount of time, I thought I should write a book on him. I met him, you know, I interviewed him, I went and met his friends, his colleagues, his school friends, you know, researching on him, I got to understand the 5 traits of MS Dhoni. Wow. How does MS Dhoni think? And this was the making of Think and Win Like Dhoni. Oh, so that is a book. Think and Win Like Dhoni. और भी हम लोग बातें करेंगे लेकिन फिलहाल स्टे ट्यून्ड टू रेडियो सिटी, रग रग में नाशिक सिटी. ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है कि ये जो लड़की है स्फूर्ती सहारे, इसने रिसर्च के लिए रांची, मुंबई, पुणे, नागपुर, हर जगह जाकर रिसर्च किया ऑन एमएस धोनी और उसके बाद ये किताब लिखी जिसका नाम है थिंक एंड विन लाइक धोनी. सो स्फूर्ती, एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सो टेल मी, ये जो किताब है किन लोगों के लिए आपने लिखी है एंड व्हाट इट टेल्स? इंसान जब जब प्रेशर में आता है और जब वो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं तो उस लेवल का प्रेशर काफी डिफरेंट होता है. हमारी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार प्रेशर आते हैं जब हमको डिफिकल्ट चॉइसेस में से एक चॉइस चूज करनी होती है. कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम लोग टूट जाते हैं या हम लोग ना फेस नहीं करना चाहते वो चीजों को, या हम लोगों को एक आउट ऑफ द थिंकिंग की जरूरत पड़ती है. तो मैंने ये बुक उन लोगों के लिए लिखी है जो इस समय कहीं ना कहीं स्टक है अपने लाइफ में और उनको एक रे ऑफ पॉजिटिविटी चाहिए. इसीलिए मैंने 5 धोनी के, आप कह सकते हैं, थिंकिंग सूत्रास, थिंकिंग मंत्रास मैंने ढूंढ के निकाले जो डेफिनेटली कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप अप्लाई करो वो मंत्रास तो यू कैन कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. आई कैन गॅरंटी दॅट. असं म्हणतात की पुस्तकांशिवाय कुठला चांगला मित्र नाही आहे, कारण ते कुठले एक्सपेक्टेशन करत नाही आणि कुठल्या कंप्लेंट्स ही करत नाही. त्यामुळे ऐकत राहा रेडिओ सिटी 95 FM, रग रग में नाशिक सिटी. गुड इव्हनिंग. व्हॉट्सअप लग्नाचं हे गाणं रेडिओ सिटी 95 FM वर एन्जॉय केल्यानंतर. माझं नाव आहे कटक प्रथम. 6:41 बाय सिटी क्लॉक आणि त्याचबरोबर ग्रंथगुढी सध्या फार ट्रेंडिंग होते या नाशकामध्ये. जर का तुम्हाला एखादं पुस्तक आम्हाला डोनेट करायचं असेल तर लवकरात लवकर रेडिओ सिटीच्या ऑफिसला पोहोचा, कारण तुमच्या एका पुस्तकामुळे त्या गरजू विद्यार्थ्यांना मदत होईल आणि त्याचबरोबर एका लायब्ररीला मदत होईल. त्यामुळे आणताय ना तुमचं पुस्तक फर्स्ट फ्लोअर, इंदिरा हाइट्स, जुना गंगापूर नाका. बरं स्फूर्ती, आपको क्या लगता है की कैसी कॉन्सेप्ट है ये ग्रंथगुढी की? टुडे वी नीड समथिंग विच विल गिव्ह अस पीस ऑफ माइंड. आणि हा जो कॉन्सेप्ट आहे ग्रंथगुढीचा, जसं तुम्ही वेगवेगळे बुक्स कलेक्ट करत आहे अँड यू आर शेअरिंग इट विथ द वर्ल्ड, यू आर शेअरिंग विथ द पीपल हू नीड इट, व्हॉट इज बेटर दॅन दॅट यार? एनीवन कॅन शेअर, यू नो, फूड, एनीवन कॅन शेअर मनी, एनीवन कॅन शेअर वॉटर, बट यू नो शेअरिंग नॉलेज अँड विजडम इज द ट्रू थिंग, बिकॉज दॅट इज व्हॉट विल stay with you forever, the wisdom, and sharing the wisdom can be one of the best things in the world. Thank you so much for your lovely wishes. All right, agar aapko bhi book donate karna hai to chale aaiye Radio City ke office, that is first floor, Indira Heights, Suna Gangapur Naka, adi aaye ki tarah Radio City, rag rag mein Nashik City, it is for noble cause. Good.